नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, प्लस टू बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंस वियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। रक्षाबंधन मनाइए चांदी की राखी के संग, रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 299 ओनली। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। साथ ही ज्वेलरी मेकिंग पर पाइए 10% की भारी छूट। बकरीद एवं अंतिम सोमवारी पर सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। एसएसपी ने की बैठक, सभी थानों को किया सतर्क, दिए कई निर्देश। सोशल मीडिया पर भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला पोस्ट डाला तो खैर नहीं, डीएम और एसएसपी ने जारी किया ज्वाइंट ऑर्डर। आओ, स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में, सुबह 9:05 पर प्रभारी मंत्री करेंगे ध्वजारोहण। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद जीपीएस, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू एसएमएस अलर्ट सिस्टम, इम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेज फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, 5 acres, environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 7763819774. दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंस वियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जींस, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट, आए और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। बकरीद एवं सावन की अंतिम सोमवारी पर सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। एसएसपी दरभंगा बाबू राम ने की बैठक, सभी थानों को किया गया सतर्क, दिए गए कई निर्देश। बकरीद और अंतिम सोमवारी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबू राम की अध्यक्षता में सभी थानों के एसएचओ, डीएसपी एवं सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और विस्तृत रूप से विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। चौतरफा बनी रहे शांति, इसके लिए विचार किया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे, बगैर इजाजत मानो परिंदे भी नहीं मार सकेंगे। पर बैठक में सिटी एसपी भी मौजूद थे। दुर्गा मंदिर उसके बाद बहुत बड़ा
सिंधारा चौक है, अली नगर है, बताजाबाद है, फिर फकीराना चौक है, पटौलबाड़ी है और चिन्नाबाद है। अच्छे सभी SHO SDPO के साथ बैठक कर समीक्षा की गई है कि ईद की और अंतिम सोमवारी को लेकर क्या तैयारी है। तो सभी संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया गया है और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। पूरी फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने का आदेश दिया गया है और बाहर से मुख्यालय से भी हम लोगों को काफ़ी भारी संख्या में बल उपलब्ध हुआ है। सभी जगह पर बल की तैनाती रहेगी और SHO से लेकर हम सभी लोग लगातार फील्ड में रहेंगे और सब जगह शांति समिति की बैठक हुई है तो कहीं कोई ऐसी चिंताजनक बात कहीं नहीं, सब समझ में। सोशल मीडिया पर भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला पोस्ट डाला तो खैर नहीं, ग्रुप एडमिन सीधे होंगे जिम्मेवार, DM और SSP ने जारी किया ज्वाइंट ऑर्डर। सोशल मीडिया पर जातीय और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला पोस्ट दंडनीय अपराध, कहा दरभंगा के DM और SSP ने। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट जिसकी सत्यता प्रमाणित नहीं है, इसका संप्रेषण करने अथवा इसे फॉरवर्ड करने वाले सदस्यों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबू राम द्वारा सभी सोशल मीडिया के एडमिन एवं सदस्यों के लिए संयुक्त रूप से स्टैंडिंग ऑर्डर जारी हुआ है। आदेश में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी क्रांति के युग में संवाद संप्रेषण का सबसे सरल, सुगम एवं तेज माध्यमों में सोशल मीडिया ने एक बड़ा स्थान बना लिया है। इस मीडिया का तेजी से प्रसार हो रहा है, हर उम्र वर्ग के लोग इसमें सक्रिय हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर समाचार के नाम पर विभिन्न ग्रुप एक्टिव हैं, कई अन्य नामों से भी बड़ी संख्या में ग्रुप एक्टिव हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कभी कभी विवादित तथ्यों का संप्रेषण कर दिया जा रहा है जिसकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती है। कई संदेश बिना पुष्टि के धड़ल्ले से कट पेस्ट और फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। इससे किसी वर्ग के जातीय अथवा धार्मिक भावना को ठेस लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आगामी माहों में मनाए जाने वाले छोटे बड़े पर्व त्योहारों, राष्ट्रीय पर्व जिसमें बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, दुर्गा पूजा, छठ, मुहर्रम, होली आदि शामिल हैं, इसके अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सोशल मीडिया एवं इसके सदस्यों के लिए कई अनुदेश जारी किए गए हैं। ग्रुप एडमिन वही बने जो इस ग्रुप के लिए पूर्ण जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व का वहन करने में समर्थ हों। ग्रुप एडमिन को अपने ग्रुप के सभी सदस्यों से पूर्णतः परिचित होने चाहिए। ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा गलत बयानी, बिना पुष्टि के समाचार जो अफवाह बन जाए, बिना पोस्ट किए जाने पर सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाले पोस्ट पर ग्रुप एडमिन को तत्काल उसका खंडन कर उस सदस्य को ग्रुप से हटा देना चाहिए तथा इसकी सूचना पुलिस को तत्काल देनी होगी। अफवाह और भ्रामक तथ्य सामाजिक समरसता के विरुद्ध तथा पोस्ट होने पर संबंधित थाना को भी तत्काल सूचना दी जानी चाहिए। ग्रुप एडमिन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर तथा पुलिस को सूचना नहीं देने पर उन्हें भी इसका दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर जातीय धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी करना, ऐसे वीडियो और पिक्चर पोस्ट करना तथा ऐसे पोस्टों पर विवादित टिप्पणी करना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर IT एक्ट 2000 तथा भारतीय दंड विधान की विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में सुबह 9:05 पर प्रभारी मंत्री करेंगे झंडोत्तोलन। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में
भारतवर्ष के 73वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2019 के अवसर पर मुख्य समारोह स्थानीय नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में मनाया जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री सह योजना एवं विकास विभाग बिहार महेश्वर हजारी द्वारा सुबह 9:05 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के परेड में बीएमपी के 1 प्लाटून, जिला सशस्त्र बल के 2 प्लाटून, गृह रक्षा वाहिनी के 1 प्लाटून भाग लेंगे। इसके अलावा एनसीसी, सीनियर एनसीसी, जूनियर बालक बालिका का 1-1 प्लाटून तथा भारत स्काउट एवं गाइड का 1 प्लाटून भी इसमें शामिल होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाने एवं इसकी तैयारी करने हेतु जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। मुख्य समारोह स्थल पर टेंट, शामियाना, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि की व्यवस्था नजारत उप समाहर्ता द्वारा की जाएगी। पीटी टीचर्स का प्रशिक्षण शिविर 16 और 17 अगस्त को होगा आयोजित। पीटी टीचर्स का प्रशिक्षण शिविर 16 और 17 अगस्त को जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बताया गया है कि वार्षिक खेल कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता एवं क्रिकेट चयन प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस हेतु अनुमंडलवार प्रशिक्षण शिविर स्थल एवं तिथि निर्धारित कर दी गई है। बिरौल अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों के शारीरिक शिक्षकों का प्रशिक्षण उत्क्रमित विद्यालय सुपौल बाजार प्रांगण में 16 अगस्त को 9:30 बजे पूर्वाहन से प्रारंभ होगा। वहीं बेनीपुर अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों के शारीरिक शिक्षकों का प्रशिक्षण उत्क्रमित विद्यालय बहेड़ा में 16 अगस्त को 1 बजे से होगा। सदर अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों के शारीरिक शिक्षकों का प्रशिक्षण ML एकेडमी लहेरियासराय में 17 अगस्त को 11 बजे पूर्वाहन में प्रारंभ होगा। इस श्रेणी में सभी कोटि के सरकारी एवं निजी CBSE, ICSE विद्यालय, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, राजकीय अंबेडकर विद्यालय आदि शामिल हैं। जिला खेल पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता 2 से 4 सितंबर 2019 तक तथा क्रिकेट चयन प्रतियोगिता 7 से 9 सितंबर 2019 तक नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में नियत की गई है। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 91वीं सलाहकार समिति की बैठक का शनिवार को हुआ आयोजन। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के सलाहकार समिति की 91वीं बैठक आयोजित हुई। कुलपति के कार्यालय कक्ष में निर्णय लिया गया कि सलाहकार समिति का नया नाम प्रबंधन समिति होगा तथा इसमें सदस्यों की संख्या 14 होगी। नवगठित प्रबंधन समिति में 2 सदस्य अभिषद के होंगे। इस प्रस्ताव को अभिषद से अनुमोदन मिलने के पश्चात UGC DEB के निर्देशानुसार दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की नियमावली में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। बैठक में वित्तीय परामर्शी मोहम्मद अमानुल हक, कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय, विज्ञान संकाय अध्यक्ष डॉक्टर शीला, वित्त पदाधिकारी सुधीर कुमार, वित्त समिति के सदस्य अरविंद सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अशोक कुमार मेहता, निदेशक डॉक्टर सरदार अरविंद सिंह, सहायक निदेशक डॉक्टर शंभू प्रसाद उपस्थित थे। निदेशक ने सदस्यों का स्वागत एवं सहायक निदेशक ने धन्यवाद ज्ञापन किया। महासचिव डॉक्टर कन्हैया जी झा के नेतृत्व में LN मोटा के प्रतिनिधियों की वार्ता कुलपति के साथ हुई। महासचिव डॉक्टर कन्हैया जी झा के नेतृत्व में LN मोटा के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता कुलपति प्रोफेसर SK सिंह के साथ हुई। वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई जिसमें अनेक मुद्दों पर सहमति के उपरांत निर्णय लिए गए। विभिन्न कोटियों के उन शिक्षकों के जिनकी प्रोन्नति मार्च 2018 तक हो चुकी है या जिनका डेट शिफ्टिंग किया गया है, उनका वेतन बिंदु 29 अगस्त 2019 को निर्धारित सिंडिकेट की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा एवं तत्पश्चात इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। CM साइंस कॉलेज के एल्यूमनाई रजिस्ट्रेशन पोर्टल का हुआ भव्य शुभारंभ। CM साइंस कॉलेज के एल्यूमनाई रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ शनिवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में पोर्टल को लॉन्च किया। CM साइंस कॉलेज ने महाविद्यालय की गतिविधियों से अपने पूर्ववर्ती छात्रों को जोड़ने के लिए महाविद्यालय के वेबसाइट पर cmscalumni.in नाम से एक पोर्टल बनाया है। शनिवार को इस पोर्टल का शुभारंभ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में किया। पोर्टल की विधिवत शुरुआत करने के बाद कुलपति ने प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद सहित महाविद्यालय के सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को बधाई और शुभकामना दी। बकरीद और अंतिम सोमवारी को लेकर टाउन थाना में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। बकरीद और अंतिम सोमवारी को लेकर
टाउन थाना पर आयोजित हुई शांति समिति की बैठक, सदस्यों ने भी रखे अपने विचार, सुझाव भी रखे गए और बकरीद और अंतिम सोमवारी एक ही दिन होने की वजह से शांति के लिए चौतरफा प्रयास रखे जाने को लेकर भी चर्चा हुई। बुलाया गया था, ये जो अभी दरभंगा में बकरीद है और साथ में आखिरी सोमवारी भी है, उसी के लिए बुलाया गया था कि आप लोग शांति समिति में वार्ड पार्षद हैं, या आप लोगों का दायित्व बनता है कि किसी तरह भी शांति के साथ आप प्रशासन का सहयोग करें और शांति के साथ आपका बकरीद भी हो और जो आखिरी सोमवारी वो भी अच्छे से गुजर जाए, इसीलिए हम लोग को यहाँ बुलाया गया था। शिक्षा व संस्कृति के उत्थान से ही पर्यावरण की रक्षा संभव, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। शिक्षा व संस्कृति के उत्थान से ही पर्यावरण की रक्षा संभव, बोले कुलपति। धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन से ही पर्यावरण संकट, कहा प्रो वीसी ने। ग्रीन कैंपस के लिए सहयोग करेगा वन विभाग, वन महोत्सव के मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय कैंपस में जमकर हुआ पौधारोपण। संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित 70वें वन महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद वीसी प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने कहा कि हम लोग जी तो रहे हैं ज्ञान युग में और विकास युग में, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण सभी का नैतिक ह्रास हो चुका है। यही कारण है कि विकसित कहलाने के दौर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम लापरवाह हो गए हैं। इसी जनवृद्धि व अंधाधुंध शहरीकरण के कारण वन उजड़ते गए और जलवायु दूषित होती गई, इसलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कृति का उत्थान किए बिना पर्यावरण की रक्षा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित है कि एशिया महादेश की वजह से ही संपूर्ण जगत का पर्यावरण संतुलित रहता है, जिसकी स्थिति खुद दयनीय हो चुकी है। कुंवर सिंह कॉलेज में प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला के नेतृत्व में चला सफाई अभियान। कुंवर सिंह कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत पूरे महाविद्यालय परिसर में शनिवार को सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वच्छता अभियान में लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्ला ने कहा कि कुंवर सिंह महाविद्यालय के स्वयंसेवकों के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 1 अगस्त 2019 से ही लगातार कई कार्यक्रम हो रहे हैं, जो कि स्वच्छता अभियान के लिए एक आंदोलन है। उन्होंने महाविद्यालय के स्वयंसेवकों की प्रशंसा करते हुए उनके द्वारा गाँव में जाकर स्वच्छता के प्रति लोगों के बीच चलाए जा रहे स्वच्छता जागरूकता अभियान को गति देने की अपील की। प्रधानाचार्य ने जोर देकर कहा कि आज पूरे देश के स्वच्छता अभियान में एक आंदोलन का रूप ले लिया है। इसने महाविद्यालय में स्वयं सेवकों द्वारा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम जागरूकता से समाज में जागरूकता आएगी। उन्होंने कहा कि कुंवर सिंह महाविद्यालय के स्वयं सेवकों के कठिन परिश्रम से समाज के लोगों के बीच साफ सफाई से संबंधित जागरूकता प्रदान की जा रही है। कुंवर सिंह महाविद्यालय के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के साथ कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों ने पूरे परिसर में सफाई अभियान चलाया। आयशा का 13वां राज्य सम्मेलन हुआ संपन्न। आयशा का 13वां राज्य सम्मेलन संपन्न। कॉमरेड संदीप चुने गए राज्य सह सचिव व विशाल मयंक प्रिंस चुने गए राज्य कार्यकारिणी सदस्य। निशा और गुंजन सहित 4 लोग राज्य परिषद में। आयशा का 13वां राज्य सम्मेलन 10 अगस्त को समस्तीपुर के विधि महाविद्यालय में संपन्न हुआ। सम्मेलन से 95 सदस्यीय राज्य परिषद व 47 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी का गठन किया गया तथा 15 सदस्यीय राज्य पदाधिकारी का गठन हुआ, जिसमें संदीप कुमार चौधरी को राज्य सह सचिव चुना गया। वहीं मयंक कुमार, विशाल मांझी, प्रिंस राज को चुना गया। वहीं राज्य परिषद के सदस्यों में निशा कुमारी, गुंजन कुमारी, मोहम्मद तालिब, अनिकेत रंजन, राहुल राज चुने गए। उक्त जानकारी देते हुए आयशा जिलाध्यक्ष प्रिंस राज ने बताया कि शिक्षा के निजीकरण, फीस वृद्धि, सीट कट, फंड कट के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। और एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल। एम्बुलेंस चालकों ने
चार दिनों से चल रही अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल मांग पूरी होने पर समाप्त की। आवाज तो हमें एक है, एक है, एक है। आवाज तो हमें एक है, एक है, एक है। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमार न्यूज टुडे दरभंगा। अभी सिविल सार्जन कार्यालय पे अनिश्चितकालीन हड़ताल। यहाँ के एम्बुलेंस कर्मी जो हैं, जो चालक हैं, उनके साथ नाइंसाफी किया जा रहा था, जिसके वजह में ये लोग अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल किए हुए थे। आज इन लोग का हड़ताल टूटा है। क्या मांग इन लोग के थे, उनसे मैं बात कर रहा था। जी सर, बताइए क्या मांग थी आप लोगों को और क्या परेशानी थी? जैसा कि मैं बता दूं आपको कि मैं लगभग आज चार दिनों से हम लोग पूरे जिला के जितने भी एम्बुलेंस कर्मी हैं, EMT और ड्राइवर, ये हम लोग एक साथ होकर के चार दिनों से आज यहाँ धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर बैठे हुए थे। हम लोगों का मन था कि श्रम अधिनियम के तहत हम लोगों का सैलरी मिले, श्रम अधिनियम के तहत हम लोगों की कार्य अवधि हो, जिसके अनुरूप कंपनी के द्वारा कार्य नहीं लिया जा रहा था, ना ही वेतन दिया जा रहा था, और मनमाने तरीके से वेतन दिया जा रहा था। तो इन मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पर में बैठे हुए थे, जिसके एवज में कल हम लोगों का बैठक पटना उपश्रम आयुक्त के यहाँ था, जहाँ पर जिस बैठक में ये निर्णय हुआ कि हमारी जो सेवा प्रदाता कंपनी है वो विभिन्न मुद्दों पर मैं माने राजी हुई, और जितना भी श्रम अधिनियम का है, नियम है, वो हम लोगों पर में लागू होगी। हम लोगों का कार्य अवधि 8 घंटे होगी, और जो भी श्रम अधिनियम के तहत हम लोगों की सैलरी बनती है उस हिसाब से हम लोगों की सैलरी मिलेगी। इन तमाम मुद्दों पर मैं विचार करते हुए जो सहमति बनी उसके आधार पर मैं हम लोगों का आज धरना प्रदर्शन और हड़ताल समाप्त हुआ। जी, यहाँ के जो चालक हैं उनका कहना है कि एम्बुलेंस की स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है। ना मुख्य मांग लेबर काम किया जाए, 12 घंटा ड्यूटी, गाड़ी का पेपर देना सुनिश्चित किया जाए, इंश्योरेंस प्रदूषण वगैरह उसमें अपडेट करके पेपर दिया जाए, सीमित समय से दिया जाए, गाड़ी को काड़ा खड़खा समय पर कराया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज 4 दिवस धरना चल रहा था, जो कि आज सम्पन्न हुआ। इसके कारण हम लोग के बीच किसी का माहौल है। आज हम लोग 4 दिनों से अपने धरना पर में बैठे हुए थे, जिसमें उपश्रम आयुक्त के हल करने के बाद हम लोगों का जो 7 सूत्री मांग था, जिसको पूरा करने में कंपनी राजी हुई, जिसके कारण आज हम लोगों में खुशी का माहौल है। जितने भी एम्बुलेंस कर्मी हैं हम लोग आज इस खुशी के माहौल में सब आदमी एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। इसी वार्ता पर में हम लोगों का समझौता हुआ है, और हम लोग खुशी से एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और अपना हड़ताल समाप्त। और हमें खुशी इस चीज़ का भी मिल रहा है कि हमें मीडिया कर्मी सब का भी बहुत सारा सहयोग रहा, और हमारे सरकार से जो श्रम अधिनियम के तहत जो बात करनी थी उससे भी हमारी जो 6 सूत्री मांग थी उसका भी पूरे मांग को मान लिया गया है। और हम सभी आदमी जितने भी एम्बुलेंस कर्मी हैं सब आपस में मिठाई खा के जो है खुशियाँ मना रहे हैं और अपने काम पर वापस पुनः जा रहे हैं। ये था तक का समाचार। बदलेंगे आपसे नजर एक बार हेडलाइंस पर। बकरीद एवं अंतिम सोमवारी पर सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। SSP ने की बैठक, सभी थानों को किया सतर्क, दिए कई निर्देश।
सोशल मीडिया पर भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला पोस्ट डाला तो खैर नहीं, डीएम और एसएसपी ने जारी किया ज्वाइंट ऑर्डर। आओ स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में सुबह 9:05 पर प्रभारी मंत्री करेंगे ध्वजारोहण। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।